स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस में, जिसमें हम अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात किए थे विकास की अवस्थाओं के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे विकास के सिद्धांतों की, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। विकास के यानी कि थ्योरी बताएंगी आपको कि डेवलपमेंट किस किस तरीके से चलता है। तो हम पहली थ्योरी की बात करेंगे आपसे। थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों, जब हमने अपनी पहली वीडियो बनाई थी जहां बाल विकास से संबंधित, उस वीडियो में हमने आपको बताया था दो चीजों के बारे में, एक थी ग्रोथ और दूसरा था डेवलपमेंट। उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो विकास है वो विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास कभी नहीं रुकता। हो सकता है कि इसकी गति कभी तेज हो जाए, कभी कम हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि विकास रुक जाए। तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी भी इसी बात को कहती है कि विकास जो है वो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब बालक मां के गर्भ में आता है और अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी कि गर्भ से मृत्यु तक, यानी कि बालक के गर्भ में आना और इंसान का मृत्यु को प्राप्त करना, इस क्रम में जितने भी कार्य होते हैं वहां तक वो बालक क्या करता रहता है, अपना विकास किसी ना किसी स्थिति में करता रहता है। यानी विकास कब से कब तक चलता है, गर्भ से मृत्यु तक। तो हमने यहां पर जाना थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी में कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट क्या है, कि डेवलपमेंट एक बहुत ही व्यापक यानी कि वाइड, एक जटिल कॉम्प्लेक्स और कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभी हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी में जाना कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलता है, बस हो सकता है कि इसकी गति कभी रुक जाए, यानी सॉरी कम हो जाए, कभी बढ़ जाए। तो डेवलपमेंट में क्या होगा, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। बस इसमें एक चीज हो सकती है कि गति कभी कम और कभी ज्यादा या अधिक। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम यहां पर कहते हैं कि डेवलपमेंट फॉलो कंटिन्यूटी, इट गोज फ्रॉम बॉर्न टू टॉम, यानी कि गर्भ से मृत्यु तक। कैसी प्रक्रिया, बॉर्न टू टॉम, गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक इंसान गर्भ में आता है, कब्र तक पहुंचता है, तब तक इंसान का विकास होता रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो बात समझ में आई, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि हम आगे आपसे बात करेंगे लर्निंग की, तो लर्निंग भी क्या है, अधिगम भी हमेशा होता रहता है, यानी कि सीखना भी कभी नहीं खत्म होता और सीखना भी तो विकास के अंतर्गत ही आता है, कुछ ना कुछ तो विकास हो ही रहा है। सीखना क्या, मानसिक विकास है। तो इसी आधार पर क्या है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, बॉम टू टॉम चलता है विकास। तो ये बात समझ में आई, पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी को। अगला सिद्धांत है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत या भिन्नताओं का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो भैया अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको बताया जब अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में मैंने आपसे बात की फिजिकल डेवलपमेंट की, और फिजिकल डेवलपमेंट को मैंने कैटेगराइज किया गर्ल्स और बॉयज में। इसको कहां कैटेगराइज किया, गर्ल्स और बॉयज में। जब गर्ल्स और बॉयज में इसको हमने कैटेगराइज किया, तो हमने जाना कि गर्ल्स का जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, 12 से 14 तक हो जाता है, और जो बॉयज का है वो 14 से 18 तक होता है। तो क्या हुआ, हमने डिफरेंसेस देखे।
हम ऐसा भी देखते हैं कि किसी बालक की लंबाई आरंभ में बहुत तेजी से बढ़ जाती है, रुक जाती है। किसी की लंबाई बाद में बहुत तेजी से बढ़ती है, पहले रुकी होती है। आपने अपने साथियों को देखा होगा, जब आप स्कूलों में क्लासेस ली हैं, तो जब आपने बचपन में अपने साथियों को देखा होगा कि आपका साथी या एक समय तक आपसे बहुत लंबा था, या यूं कहूं कि एक समय तक आपसे बहुत नाटा था, और एक जब आपने बहुत समय बाद उसको देखा दोबारा से, तो एकदम उसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ गई। हो सकता है कि कोई बहुत मोटा हो, कोई मेरी तरह पतला हो। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, व्यक्ति भिन्नताएं देख सकते हैं। मेंडल कहते हैं कि आनुवंशिकता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, कहते कि नहीं कहते। तो व्यक्ति भिन्नताओं में हमने क्या देखा, क्या देख सकते हैं, बालकों में वृद्धि और विकास, युवकों की विकास बालकों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि या अभिवृद्धि एवं विकास भिन्न भिन्न, यानी कि इसकी गति जो होगी वो अलग अलग होगी, विभिन्न आयु वर्ग में भिन्न भिन्न होगा। दूसरी बात, जब मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया, उससे पहले एक चीज बात कर लेता हूं कि दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो कई बार क्या होता है कि उनका शक्ल रूप वगैरह एक सा होता है, लेकिन उनके व्यवहार अलग होते हैं। हो सकता है कि दो जुड़वा बच्चों में भी क्या हो, अलग अलग भिन्नताएं पाई जाए, यानी कि एक अच्छा सिंगर हो तो दूसरा अच्छा डांसर हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, विभिन्न आयु वर्ग में भिन्नता देखी हमने, बालकों में भी देखी। मैं बात कर रहा हूँ कि जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मेरे जो छोटे भाई बहन है वो जुड़वा हुए, तो एक की लंबाई ज्यादा है दूसरे की अपेक्षा, एक हेल्दी है तो दूसरा कमजोर है, तो क्या है उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार, तो एक पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, तो क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उदाहरण। तो जुड़वा बच्चों में भी देखने के मिलते हैं, बालकों में हम देखते ही है, विभिन्न आयु वर्ग में हम इस चीज को देखते ही है। हम देखते हैं क्लास में एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंटों को टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो बहुत तेजी से सीख रहे हैं, कुछ स्टूडेंटों के साथ क्या करना होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि उनकी सीखने की गति कम है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो कुछ की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता हम अलग अलग स्टूडेंटों में देख सकते हैं। मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम था, आप ऊपर का लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, साफ कर लेते हैं। मेंडल ने दिया आनुवंशिकता का नियम, इसे लिख रहा हूं आनुवंशिकता का नियम। तो भैया एक माँ बाप की चार संतान या दो संतान, उनकी आनुवंशिकता तो एक ही है, यानी कि जीन्स तो एक ही माँ बाप से मिले, यानी कि बाप तो एक ही थे देने वाले, लेकिन हम देखते हैं कि चारों संतानों के गुण व्यवहार वगैरह अलग अलग होते हैं। तो आनुवंशिकता भी क्या हो सकती है, आनुवंशिकता भी भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, विकास में विकास की गति भी अलग अलग हो सकती है। विकास के बारे में मैंने कंटिन्यूटी की बात की आपसे, विकास के बारे में मैंने दूसरा सिद्धांत आपको लिया कि बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न हो सकती है, विकास अलग अलग तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि एक मोटा हो जाए एक पतला ही रह जाए, हो सकता है कि एक लंबा हो जाए एक नाटा ही रह जाए, हो सकता है एक का मानसिक विकास बहुत ज्यादा तेज हो, तो ये कुछ भी हम देख सकते हैं। हो सकता है कि एक इंसान बहुत ज्यादा सोशलाइज हो, एक इंसान अकेला रहना पसंद करता हो, तो ये विकास अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम विकास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। आज हम आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराएंगे जिस पर आप अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों दो सिद्धांत देखे, पहला सिद्धांत देखा थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा देखा थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम तीसरा सिद्धांत देखते हैं। उस सिद्धांत के नाम मैंने एक ही में मर्ज कर दिया है, बहुत सारे लोग अलग अलग लिख लेते हैं। नाम है एकरूपता का सिद्धांत यानी कि यूनिफॉर्म पैटर, नाम है निश्चित क्रम का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सीक्वेंस या डायरेक्शन, नाम है डायरेक्शन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ डायरेक्शन या थ्योरी ऑफ सीक्वेंस या यूनिफॉर्म पैटर, ये एक ही चीज है। तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं, एक रूपता का सिद्धांत। या निश्चित क्रम का सिद्धांत, बड़ा डाउट हो रहा होगा आपको कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं यानी विकास भिन्न भिन्न होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि विकास एक सा होता है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। अभी हमने देखा कि भिन्न भिन्न कैसे होता है, तो पहली बात करूंगा विकास की एकरूपता का सिद्धांत की एकरूपता कैसे होती है। तो मैं लिख लेता हूँ कि विकास की प्रक्रिया में एकरूपता पाई जाती है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित तरीका होता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक सवाल करता हूं कि क्या ऐसा होता है कि बालक ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वो लिखना सीख गया उसी तक बोलना सीखने से पहले, ऐसा हुआ है क्या? तो भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, हमने देखा पहली बात। पहले बोलना सीख गया, उसको लिखना सीख गया, ठीक है। तो भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में। दूसरी बात, मैं और शारीरिक विकास के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। इससे पहले मैंने आपको विकास की अवस्था स्टेज बताई, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उनको बताया कि पहली स्टेज देख रहे थे फिजिकल डेवलपमेंट जब अधिक हो रहा था, एक एक करके स्टेज में जब हम आगे बढ़े तो भैया ऐसा हुआ कि जब पहली स्टेज में आया तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट की जगह किसी बालक का ऐसा हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, नहीं हुआ ना कि पहले प्राइमरी जो प्राइमरी एजेंसी थी या मेन एजेंसी थी वो क्या थी? फैमिली थी। फिर वो स्कूल हो गया, फिर स्कूल में पीयर्स हो गए, ठीक है, तो क्या हुआ? फिर परमानेंट फ्रेंड हो गए, तो एक सीरीज चली। सबके साथ ही होता है, ऐसा तो नहीं होता कि भैया पहले बालक ने जन्म लिया और समाज में आ गया, अब उसकी मेन एजेंसी क्या होगी? सोसाइटी होगी। ऐसा तो नहीं होता, एक निश्चित क्रम होता है ना। तो भाई अब शारीरिक विकास को देख लेते हैं। शारीरिक विकास के लिए दो थ्योरी होती है, एक होती है सेफालोकॉर्डल यानी कि उसको हम हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्कोन्मुखी, नाम है सेफालोकॉर्डल। सेफालोकॉर्डल क्या कहता है? सेफालोकॉर्डल कहता है कि जो बालक का विकास है या शारीरिक विकास है, मैं एक फिगर बनाता हूँ, ड्रॉइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते भैया ये एक सिर है, सिर भी नहीं है, ठीक है, दो आंखें होती हैं, एक मुंह बना लेते हैं थोड़ा सा स्माइली फेस, ठीक है, ये उसकी बैकबोन, सीधे दो पैर बना दिए, दो हाथों को नहीं बना रहा, आप कह दो जब बना, दो पैर और दो हाथ। तो भैया जब मस्तिष्कोन्मुखी कहता है, मस्तिष्कोन्मुखी में क्या बात है कि विकास जो बालक जब गर्भ में मां के में पल रहा होता है तो विकास जो चलता है वो कुछ इस तरीके से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, यानी कि पहले उसके मस्तिष्क का निर्माण होगा, फिर बैकबोन बनेगी, फिर उसके पैरों का निर्माण होगा। इसमें एक चीज और बताऊंगा, तो पहली बात क्या है? सिर से पैर की ओर विकास की गति कैसी? सिर से पैर की ओर है। अभी और बताऊंगा विकास वर्तुलाकार होता है कि नहीं होता, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो विकास कैसे चलता है?
दूसरी बात होती है नजदीक से दूर की ओर। तो यहीं पर लिख लेते हैं इसको। सिर बना, बैकबोन बनी, पैर बने। अब क्या होगा, हमारा सीना, ठीक है, बैकबोन के बाहर जो सीना है, अंग है, हाथ है, तो इनका निर्माण यानी कि अंदर से बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो विकास कैसे होगा, पहले ऊपर से नीचे, सिर से पैर की ओर, फिर नजदीक से दूर की ओर, और ये सब में एक सा होगा। यानी कोई सी बालक का जन्म मां के गर्भ में पल रहा हो तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ उसका शरीर बनावट ले रहा हो, उसकी काया का विकास हो रहा हो, ऐसा नहीं होगा। हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट देखे तो हमने देखा कि सारे विकास में पहले क्या होता है, काया का विकास होता है, काया का विकास होता है, काया का निर्माण होता है। तो ऐसा किसी के नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा कि किसी बालक का नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। सबके साथ कैसे होगा, सबके साथ ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो ये बात सही भाई, हमने देखा एकरूपता के सिद्धांत में कि विकास क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है। दूसरी बात, भाषा का विकास हमने देखा। एक चीज, दूध के दांत सबके पहले टूटते हैं, बच्चों के दांत दूध के टूटते हैं ना, ऐसा तो नहीं किसी के दूध के दांत ही रहे हो, सबके टूटते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका। तो समझ में आई दोस्तों बात, तो आपको तीसरा सिद्धांत एकरूपता का, निश्चित क्रम का सिद्धांत। विकास में क्या होती है, एकरूपता पाई जाती है, यानी कि भाषा का जो विकास होगा वो सभी में समान रूप से होगा। दूसरा हमने देखा कि दूध के दांत, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, पहले टूटते हैं, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। शारीरिक विकास में देखा मस्तिष्क को मुखी ओर, नजदीक से दूर, यानी कि पहले सिर से पैर की ओर, फिर नजदीक से दूर की ओर, दो तरीके से विकास होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि विकास केंद्रीय रेखा से या मेरुरज्ज से, रीढ़ की हड्डी से, बाहर की ओर, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आई कि विकास में एकरूपता कैसे पाई जाती है, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। अगली बात करते हैं थ्योरी ऑफ कोरिलेटेड, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कोरिलेटेड दोस्तों, हमने विकास के कुछ डोमेन्स के बारे में आपसे बात की थी, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये कुछ डोमेन्स है विकास के जिनके बारे में हम आपसे बात की, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी आयाम जो हैं, वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से संबंधित है। कैसे है उसको मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा। विकास के सभी आयाम, डोमेन्स बोलते हैं इसको, एक दूसरे से संबंधित, डोमेन्स मैं आपको बताया हूं पहले ही, ये आप हमारी दूसरी वीडियो को देखें, पिछली वीडियो में देखेंगे तो मैंने डोमेन्स को सबको एक्सप्लेन किया है, तो एक बार जाके आप पूरी वीडियो को देखें। तो डोमेन्स जैसे शारीरिक विकास, डोमेन्स जैसे मानसिक विकास, डोमेन्स जैसे सामाजिक विकास, डोमेन्स जैसे संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास के क्या है, डोमेन्स। दोस्तों मैं यह कहना चाह रहा हूं कि विकास का एक आयाम दूसरे आयाम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
कैसे उसको चला, क्या कहना चाह रहा हूं, समझ लेते हैं। यदि किसी बच्चे का बालक का शारीरिक विकास कम हुआ, यानी कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, तो क्या उसके अधिगम पर उसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो उस हिसाब से लर्निंग नहीं कर पाएगा जो एक सामान्य छात्र करता है। तो शारीरिक रूप से कमजोर होने पर किस पर प्रभाव पड़ा? मानसिक विकास पर। जब मानसिकता कमजोर होगी तो सामाजिकता भी कमजोर होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, सामाजिकता कमजोर होगी तो उसका संवेगों पर नियंत्रण भी कमजोर होगा, यानी कि वो संवेगों पर अधिक आसानी से नियंत्रण नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि लड़के बहुत जल्दी रो जाते हैं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, कुछ लड़के बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। तो वो क्या है कि वो सामाजिक विकास है, यूं कहूं कि उनके मानसिक विकास है, वो सही तरीके से नहीं हो पाया। उनको समझ ही नहीं आया कि गुस्सा किस तरीके से करनी चाहिए। तो किस पर इंपैक्ट पड़ा? संवेगों पर इंपैक्ट पड़ा। मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो थ्योरी ऑफ लर्निंग में मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन का सिद्धांत। उसमें बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति क्रोध में हिंसा करता है तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं, इस बात को हम समझाएंगे आपको। लेकिन अभी आगे समय लगेगा थोड़ा सा वीडियो को पहुंचने में। तो क्या है, शारीरिक विकास कमजोर हुआ तो मानसिकता पर इंपैक्ट आया, मानसिकता कमजोर तो सामाजिकता कमजोर, और सामाजिकता कमजोर या यूं कहूंगी मानसिकता कमजोर तो संवेगों पर भी इंपैक्ट पड़ा। तो यहां लिख सकते हैं कि शारीरिक रूप से कमजोर बालक का अधिगम क्या होगा? अधिगम उसका क्या होगा? कम होगा। यानी कि उसके पास जो एकाग्रता होगी वो कम होगी, और जब एकाग्रता कम होगी तो उसके व्यक्तित्व का जो विकास होना है, उसकी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होना है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा था कि शारीरिक रूप से कमजोर तो अधिगम प्रभावित, नकारात्मक रूप से अधिगम प्रभावित होगा। इसको बता लेते हैं, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। अधिगम प्रभावित तो क्या होगा, शारीरिक रूप से कमजोर होने पर जो उसके पास एकाग्रता होनी चाहिए, जो समग्रता यानी कि उसके पास जो सब कुछ देखने के लिए संपूर्णता बात होनी चाहिए, जो गेस्टाल्ट वादियों ने कहा, ठीक है, जो समग्रता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास होना है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि शारीरिक रूप से कमजोर हुआ तो अधिगम कम हुआ, कम सीखा, उसे कम पता चला कि भैया क्रोध करने पर गालियां नहीं देनी चाहिए, मारपिटाई नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ, उसका अब जब क्रोध आया तो उसके पास अब एकाग्रता नहीं बची, उसके हाथ में कोई भी चीज है उसने उसको फेंक के मार दिया, उसके नुकसानों के बारे में उसके पास सोच खत्म हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप क्या कहेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी को आप नेगेटिव कहेंगे, तो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया, यानी को मैच्योर नहीं हो पाया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये सब विकास जो है, सारे की जितने भी डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर किसी एक में कमी वो दूसरे को प्रभावित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा, हमने इस बात को जाना, शारीरिक विकास कमजोर तो अधिगम प्रभावित, अधिगम प्रभावित तो एकाग्रता और समग्रता में कमी, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी क्या होगा, प्रभावित होगा।
तो मैं कह सकता हूँ कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास है वो क्या है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो दोस्तों आज हमने आपसे बात की विकास के चार सिद्धांतों की, अभी बहुत सारे सिद्धांत बाकी हैं, उनके बारे में आपसे अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे। दोस्तों इसी तरह से आप हमारे लेक्चर देखते रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हाँ दोस्तों वीडियो को पूरी वॉच करें जिससे कि आपको वीडियो में आने वाली कमियों के बारे में या समस्याओं के बारे में पता चल सके, आपके टॉपिक प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपर टेट की बात करें, सी टेट की बात करें, हम आपसे यहाँ जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है उसमें पूरी साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे वो सब इस वीडियो के माध्यम से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें। आज हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराता हूँ आपको। दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, सिर्फ मैसेज के माध्यम से, कॉल बिल्कुल ना करें, रेयरेस्ट केस में आप कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।